हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। भगवद गीता का सुंदर पाठ चल रहा है। श्री कृष्ण हमें दिव्य ज्ञान दे रहे हैं। अध्याय नंबर 6, शीर्षक है ध्यान योग। तो बड़ी सुंदरता से श्री कृष्ण हमें ये ज्ञान दे रहे हैं। पहले 5 अध्याय बड़े अच्छे से हमारे पूर्ण हुए हैं। 6 अध्याय में भगवान बता रहे हैं कि हम शांति को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। हमारा टेस्टिंग क्राइटेरिया बता रहे हैं भगवान कि हमें कैसा होना चाहिए, तब हम उससे खुद को कंपेयर कर सकते हैं कि हम हैं कैसे वास्तव में। तो भगवान ने कहा है कि व्यक्ति को अपना मन वश में कर लेना चाहिए। इंद्रियों का राजा होता है मन। अगर मन हमारे वश में हो गया तो इंद्रियां अपने आप ही वश में हो जाएंगी। तो लास्ट वाले जो एपिसोड में भगवान श्री कृष्ण हमें बता रहे थे, श्लोक नंबर 9 छठे अध्याय का, श्री कृष्ण ने कहा था कि जब मनुष्य सभी कुटुंबियों को, ईर्ष्यालुओं को, मित्रों को, शत्रु को, तटस्थ को, मध्यस्थ को, सभी व्यक्तियों को एक समान जब देखने लग जाता है तो समझे उसे आत्म साक्षात्कार हो गया है और वह भगवत धाम जाने के लायक हो जाता है। तो ये बड़ा कठिन है हमारे लिए कि हम सभी को एक समान दृष्टि से देखें, लेकिन भगवान ने बड़ी सुंदरता से वर्णन किया है कि हम सभी को एक समान दृष्टि से कैसे देख सकते हैं। किसी को शत्रु ना माने, किसी को मित्र ना माने, सभी भगवान के हैं, सभी भगवान की सेवा के लिए हैं। मैं स्वयं आत्मा हूँ और मैं भी भगवान का अंश हूँ, उन्हीं की सेवा के लिए हूँ। इस तरह से सभी को समान दृष्टि से देखते हैं तो हम भगवत धाम के अधिकारी बन जाते हैं। अब आगे श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं, हम आगे बढ़ते हैं। उससे पहले हम भगवान की वंदना करेंगे, गुरु महाराज की वंदना करेंगे। हरे कृष्णा। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो चलिए पाठ को आगे बढ़ाते हैं। योगी योंजित सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकीय चित्तात्मा निराशीः अपरिग्रहः। हरे कृष्णा। योगी को चाहिए कि वह सदैव अपने शरीर, मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाए, एकांत स्थान में रहे और बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को वश में करे। उसे समस्त आकांक्षाओं तथा संग्रह भाव की इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। हरे कृष्णा। श्री कृष्ण यहाँ पर कह रहे हैं, सबसे पहले तो योगी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। योगी अर्थात जो खुद को भगवान से जोड़ना चाहता है। योग का मतलब होता है जुड़ना। तो भगवान कह रहे हैं कि योगी को चाहिए कि वह अपने शरीर, मन तथा आत्मा को भगवान में लगाए, निरंतर परमेश्वर में लगाकर रखे। दूसरी बात, इस कार्य के लिए उसे करना क्या होगा। अब अगर इंसान इस संसार में जी रहा है तब उसे भांति भांति की चीजें दिखेंगी। प्रकृति उसके ऊपर बहुत प्रभाव डालेगी, उसका रजोगुण बढ़ाएगी, कोई तंग करने उसे आ जाएगा उसका तमोगुण बढ़ा देगी, सतगुण तो बहुत ही कम बढ़ेगा उसका। तो प्रकृति इन तीनों गुणों की सहायता से व्यक्ति को परेशान करती है, उसका जो भगवत पाथ है उसमें बाधा डालती है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि उस योगी को चाहिए कि एकांत स्थान में जाए, उन प्रकृति के चक्रों में रहे ही ना, संसार के लोगों के बीच रहे ही ना, एकांत स्थान में जाए। अब एकांत स्थान, साथ में बोला है एकांत स्थान में रहे और बड़ी सावधानी से अपने मन को वश में करे। अब जो ये एकांत स्थान है ये हमें मिलेगा कहाँ पर। अब इस संसार में तो एकांत स्थान मिलना बहुत ही मुश्किल है। कहीं पर भी जाएंगे हम, कोई ना कोई चीज हमें डिस्टर्ब करेगी ही करेगी। मान लो पहाड़ों में बैठ जाते हैं, घने जंगल के बीच में, तो वहां पर हम परमेश्वर का ध्यान करते हैं, हो सकता है कोई जीव, कोई पशु हमें आकर तंग कर दे। एकांत वहां पर भी नहीं रहा, हमें यही परेशानी सताती रहेगी कि कहीं कोई जीव आकर मुझे परेशान ना कर दे, कोई स्नेक डस ना ले या कोई और जीव जंतु आ ना जाए। तो हमारा ध्यान वहां पर भी परमेश्वर में नहीं लग रहा। अगर हम सोचें ना कि इतने एकांत में चले जाएं तो वहां पर भी हमें डिस्टर्बेंस रहेगी, तो फिर एकांत स्थान मिलेगा कहाँ। अब अगर हम मंदिरों में जाते हैं, एकांत और पवित्र मंदिर में जाते हैं, तो वहां पर एकांत नहीं होता, पवित्रता होती है।
पर एकांत वहां पर भी नहीं होता, बहुत सारी बहुत ज्यादा भीड़ बन जाती है, जहां पर धार्मिक स्थल होते हैं बहुत भीड़ हो जाती है। एकांत और पवित्र स्थान में या तो एकांत होगा या पवित्र होगा, पवित्रता जहां पर है मंदिरों में, लेकिन वहां पर एकांत नहीं है, भीड़ है। तो आखिर एकांत स्थान मिलेगा कहां पर? तो यहां पर भगवान इशारा कर रहे हैं एकांत स्थान कहां मिलेगा। एकांत किसे कहा जाता है? जहां पर सांसारिक चीजें ना हो, जहां पर सिर्फ आध्यात्मिक चीजें हो और पवित्र भी हो, यानी कि एकांत और पवित्र, सांसारिक समस्याओं से दूर, सांसारिक बातों से दूर हो, उसे एकांत कह सकते हैं हम। क्योंकि हमारे लिए एकांत तो यही है ना, जहां पर हम जीते हैं, हम संसार में जी रहे हैं, तो हमारे लिए एकांत क्या होगा कि ये संसारिक चीजें हमारे सामने ना हो, ये हमारे लिए एकांत हुआ। तो ये एकांत हमें मिलेगा कहां पर? अब जंगलों में तो हमने देख लिया परेशान होंगे, कभी कोई जीव आ जाए या कुछ और हो जाए, तो एकांत स्थान मिलेगा अगर हम भक्तों के साथ में रहें। सोच कर देखिए, अगर हम डिवोटीज के साथ में रहें तब क्या एकांत होगा? होगा, क्योंकि डिवोटीज कभी भी सांसारिक बातें नहीं करेंगे, वो हमेशा भगवान की बातें करेंगे। तो मीनिंग क्या हुआ, हम सांसारिक बातों से दूर हो गए ना, सांसारिक बातों से हम दूर हुए तो हमारा एकांत हो गया, सांसारिक बातें हमारे सामने नहीं है तो हम एकांत में जी रहे हैं। तो अब इस अवस्था में चाहे भक्त बहुत सारे हो, झूम का झूम हो, भीड़ लगी हो भक्तों की, शुद्ध भक्तों की बात है, सभी लोगों की नहीं, तब भी हमारा एकांत माना जाएगा, क्योंकि वहां पर सिर्फ और सिर्फ भगवान का ध्यान, चिंतन, कीर्तन हो रहा है, सांसारिक बातों का नहीं हो रहा। तो ऐसे भक्तों का संग करके भगवान कहते हैं कि अपने शरीर, मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाएं एकांत स्थान में बैठकर। अब भक्तों के संग में अगर हम हैं तो हमारा शरीर, मन, आत्मा सब कुछ परमेश्वर में लगेगी, सांसारिक बातों में लग ही नहीं सकती। और अगर आपको ये चीज देखनी है तो आ जाइए जन्माष्टमी के अवसर पर हमारे मंदिरों में। तो हमारे मंदिर में जब आप आएंगे जन्माष्टमी पे या होली उत्सव पे, तब आपको लगेगा कि हम जैसे वृंदावन में ही हैं, आध्यात्मिक लोक में है वृंदावन में, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ भगवान की आराधना हो रही है, भगवान के सामने हम नृत्य कर रहे हैं। तो आप अपने आप को ऐसा फील करेंगे जैसे कि मैं गोलोक वृंदावन पहुंच गया हूँ, हरे कृष्णा। तो आगे भगवान क्या कह रहे हैं कि बड़ी सावधानी से मन को वश में करें और उन समस्त आकांक्षाओं तथा संग्रह भावों की इच्छा से मुक्त हो जाना चाहिए। इकट्ठा करने की जो भावना होती है कि ये वस्तु मेरी है, ये वस्तु मेरी है, ये वस्तु कहीं कोई चुरा ना ले, ये वस्तु मुझे चाहिए, ये फ्लावर मेरा है, कुछ भी वस्तु हो सकती है, मेरे का भाव, इकट्ठा करने का भाव कि मैं ये ले लूं, कहीं पे बहुत सारे पेड़ पौधे दिखे, मैं बहुत सारे ये फ्लावर ले लूं, अपने रूम में सजाऊंगा, कुछ भी हो सकती है इच्छाएं। तो संग्रह करने की भावना, उससे बचना है। कैसे बचेंगे? हर वस्तु श्री कृष्ण की है, ये जो फ्लावर्स लगे हैं ये श्री कृष्ण की सेवा के लिए हैं। कोई भी वस्तु अगर हम संसार में देखते हैं वो सभी श्री कृष्ण की हैं, श्री कृष्ण ने ही वो संसार में दी हैं, ये प्रकृति कृष्णा ने ही बनाई है। तो इस प्रकृति से ही हमें सभी चीजें दिख रही हैं जिन पर हम अपना प्रभुत्व जताना चाहते हैं कि यह मेरी है, यह मुझे लेना चाहिए, मैं इसे भी इकट्ठा कर लूं, इसे भी इकट्ठा कर लूं, बहुत सारा धन इकट्ठा कर लूं, लेकिन हर चीज कृष्ण ने दी हुई है तो फिर वो कृष्णा की ही है। हम उस पर अपना प्रभुत्व क्यों जताना चाहते हैं? हमें कभी भी संग्रह की भावनाएं नहीं रखनी। हर वस्तु कृष्ण की है, उनकी सेवा के लिए है। अगर कृष्ण हमें उन वस्तुओं से सेवा करने के लिए हमें प्रदान करना चाहते हैं उन वस्तुओं को, तब हम उन्हें स्वीकार कर सकते हैं कि ये वस्तु मुझे श्री कृष्ण की सेवा के लिए चाहिए, खुद की सेवा के लिए नहीं चाहिए। इस तरह से हम संग्रह कर सकते हैं। अदरवाइज हमें संग्रह की भावना से बचना चाहिए। संग्रह मतलब कलेक्शन, इकट्ठा करना, बहुत सारी वस्तुएं इकट्ठा करना, जैसे धन इकट्ठा करना, बहुत सारा धन हो गया है। इस तरह से कृष्णा कह रहे हैं कि हमें संग्रह की इच्छाओं से मुक्त हो जाना चाहिए। हमेशा अनुकूल परिस्थितियों को ही ग्रहण करना चाहिए, प्रतिकूल अवस्थाओं को ग्रहण नहीं करना चाहिए। अनुकूल अवस्थाओं ग्रहण करेंगे तो मतलब हमारे भक्ति में बाधा नहीं पड़ रही, जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं उसमें बाधा नहीं पड़ रही। अब एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं, हमें कोई लक्ष्य चाहिए, सांसारिक लक्ष्य चाहिए, हम दिन रात उसके ऊपर मेहनत करते हैं, करते जाते हैं, मार्ग में बाधाएं आती हैं, बहुत सारी बाधाएं आती हैं, उन बाधाओं को दूर करने के लिए एक्स्ट्रा प्रयास करते हैं,
लेकिन हमारी भक्ति का क्या, भक्ति छूट गई ना इसके चक्कर में। तो कृष्ण कह रहे हैं अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए जो अनुकूल परिस्थितियां हैं उनको ग्रहण करो, प्रतिकूल चीजों को हटा दो। जैसे हम कई बार जुगाड़बाजी कर लेते हैं कि उसको धन दे दिया तो हमारा ये काम करा दीजिए, लेकिन इससे होगा क्या, इससे आपके मन में डर पैदा हो जाएगा कहीं पकड़ा ना जाए, तो ये प्रतिकूल परिस्थिति होगी। सीधे रास्ते पर चलिए, मेहनत करते जाइए, सफलता मिले ना मिले वो कृष्ण के हाथ में है, मेहनत करते जाइए। तो ये अनुकूल परिस्थिति हो गई। तो कृष्ण कह रहे हैं कि अनुकूल परिस्थितियां ही ग्रहण कीजिए, प्रतिकूल वस्तुएं ना ग्रहण करें, क्योंकि प्रतिकूल वस्तुएं आपकी भक्ति में बाधक हो जाएंगी। इसलिए आराम से जीवन व्यतीत कीजिए, अपने जीवन को कठिन मत बनाइए। जो आपने लक्ष्य रखे हैं उनको अवश्य प्राप्त करने के लिए मेहनत कीजिए, लेकिन उनके लिए गलत रास्तों को चूज मत करना, कहीं तुम्हारा मन डर से ना कांप जाए और तुम भक्ति को भूल जाओ। तो हमेशा अनुकूल परिस्थितियां ग्रहण कीजिए, एकांत में रहिए यानी कि भक्तों के संग में रहिए, अपना शरीर मन आत्मा भगवान की चिंतन में लगाइए, भगवान में ध्यानस्थ हो जाइए, यही श्री कृष्ण यहाँ पर कहना चाहते हैं। अगर आप ऐसा करने का प्रयास करते हैं, ये करना कोई कठिन नहीं है, ये सिर्फ हमारे नैतिक मूल्य हैं जीवन के कि जो हमें अपनाने चाहिए, तो इन मूल्यों को अपनाने से ही हम भक्ति भावना को प्राप्त करेंगे, श्री कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। तो सभी साथ में बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हमें मंत्र जाप ज़्यादा से ज़्यादा करते जाना है, भक्तों के संग में रहना है। तो आज का पाठ हम यहीं पर पूर्ण करते हैं। इस श्लोक से हमें आज ही श्लोक के ऊपर मंथन करना है, पूर्ण मंथन करना है, जैसे हमने कल मंथन किया था, तो इसको अपने जीवन में भी उतारना है। हरे कृष्णा।